साथियों नमस्कार। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने मुझे पूर्व के वीडियो में कमेंट करके कहा कि आप माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के भी कोई वीडियो अपलोड करें। साथियों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस कालखंड में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रतिभाओं से परिचित कराने वाला हूं। कक्षा छठवीं के विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों के द्वारा जो भाषा भारती है, भाषा भारती के पाठ 6 इसमें विजय गान नामक कविता दी गई है, जो कि नटवरलाल इसने ही, महान जो कवि हैं, इनके द्वारा ये रचित कविता है। और इस कविता को शासकीय मल्टी न्यू मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों ने हाव भाव पूर्वक गान किया है, उसको आप यहाँ पर देखेंगे। और जस्ट इसके बाद में शासकीय माध्यमिक शाला महरविपुरिया के विद्यार्थी काव्य प्रवाह के द्वारा इस कविता का अर्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तो साथियों बने रहिए मेरे साथ में और देखिए विद्यार्थियों की इस प्रतिभा को। साथियों अभी आपने देखा शासकीय मल्टी न्यू मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को हाव भाव पूर्वक इस कविता का गायन करते हुए आपने देखा और सुना। अब आपके सामने शासकीय माध्यमिक शाला महरविपुरिया के छात्र काव्य प्रवाह के द्वारा इसी कविता का अर्थ प्रस्तुत किया गया है, आप इसे भी देख रहे। आदरणीय गुरुजनों, मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं शासकीय माध्यमिक शाला मैरा पिपरिया में कक्षा छठवी पढ़ता हूँ। मेरा नाम काव्य प्रवाह टेमरे है। मैं आपके सामने हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 6 विजय गान का अर्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चलिए प्रारंभ करें। समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे वीरो, तुम तलवारों की धार जैसी कठिनाइयों पर समल समल कर चलो। इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सुनामा। तुम्हारे इधर उधर खाई कुएं जैसी कठिनाइयां हैं और ऊपर सुना आसमान है। बस रही बाधाएं पथ में,
तुम्हारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं बरसेंगी, एक के बाद एक बरसेंगी उमड़ घुमड़ का धारों से। जैसे जब बादल गरजते हैं पानी होता है, धारों से जब पानी गिरता है, वैसे ही तरह तुम्हारे पथ में भी धारों से कठिनाइयां आएंगी। वीर सिंधु के पास उतरते प्राणों की पतवारों पर, वीरों तुम अपने प्राण देकर उस पतवार को बनाओ और सिंधु जैसे सागर को पार कर लो। टकराने दो सिंधु हिमाचल सूर्य चंद्रमा अवनी अंबर। तुम वीरो तुम सागर और हिमाचल को टकराने दो और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और आकाश को टकराने दो। समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। हे वीरो तुम समल समल कर कठिनाइयों जैसे धारों पर चलो। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो। और जो पाप है वह करेंगे उन पाप की गर्मी से वह पाप खुद ही जल जाएंगे। घुमड़ घुमड़ कर नव मंडल को नित अंगार उगलने दो। चाहे वो घुमड़ घुमड़ कर जो नव मंडल है उसे अंगार उगलने दो। जल जाएगा पास पुराना परवस्था अंचल जल जाए। तुम्हारी कठिन बेड़िया पुरानी बेड़िया मतलब तुम्हारे बंधन है वह टूट जाएंगे और तुम आजाद हो जाओगे अंचल के जल जल की तरह। समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। हे वीरो तुम समल समल कर चलो तलवार की धारों जैसी कठिनाइयों पर। छूने पाए मोहन तुमको बनो तपस्वी लव हृदय। तुम्हें कोई मोह माया छू ना पाए तुम तपस्वी बनो लव हृदय के। और जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है तुम वैसे ही बनो। काल स्वयं डल जाए देखकर ध्रुव से भी ध्रुवत निश्चय। काल तुम्हें स्वयं देखकर डल जाएगा लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना है। हो अगस्त क्या कठिन सुखाना बाधा का दुर्दम सागर। जैसे अगस्त मुनि जैसे तुम बनो और इस बाधा के सागर को सुखा दो। समल समल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। हे वीरो तुम तलवारों की धारों जैसे कठिनाइयों पर चलो। मेरे सहपाठी भाई बहनों और आदरणीय गुरुजनों, मैंने जो अभी पाठ 6 विजय गान का जो कविता है उसका जो अर्थ बताया, इसके कवि नटवरलाल स्नेही है। यह बहुत अच्छे कवि हैं और इनकी बहुत सारी कविताएं लिखी इनने बहुत सारी कविताएं लिखी है और वह बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। जय हिंद। तो साथियों, इस तरह से आपने देखा कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने दो शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और आपने देखा इन विद्यार्थियों की प्रतिभा को। एक विद्यालय के विद्यार्थियों ने हाव भाव पूर्वक इस कविता का गायन किया और दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी ने इस कविता का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आशा है यह वीडियो आपको काफी आकर्षक लगा होगा और उपयोगी भी लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो आकर्षक और उपयोगी लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना न भूले, जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। आगामी वीडियो में मैं किसी नई जानकारी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।